हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपके सेमिस्टर 5 का आज टैक्स का पेपर था। आई होप आपके टैक्स के पेपर अच्छे गए रहेंगे। आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाए होंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनके मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग चेक कर लेना। और चेक करने के बाद कमेंट करके मुझे बताना आप लोग के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट गया है। उससे पहले स्टूडेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोग के लिए। अभी क्या हमारा एक लास्ट का पेपर बचा हुआ है, जो कि आपका किसी का एक्सपोर्ट रहेगा, किसी का कंप्यूटर रहेगा, किसी का रिसर्च मार्केटिंग रहेगा। इसके भी एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। और स्टूडेंट, यदि आप लोग सेम 6 के लिए स्टडी करना चाहते हो, सेम 6 के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमारे पास बैचेस से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा के मिलेगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल और इजी वे में पढ़ा के मिलेगा, और 100% पासिंग गारंटी भी मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट। तो आप लोग उससे यदि कॉन्टेक्ट करना चाहोगे, तो आप लोग ये नंबर सेव करके रखना, 9820827674। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझसे। अभी हम लोग आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर क्या है देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, इनकम अर्न एंड रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल इन द हैंड, मतलब जो भी इनकम हम लोगों ने अर्न किया, रिसीव किया इंडिया में, वो टैक्सेबल होगा किसके हैंड में। तो ऑल ऑफ द थ्री, आपको भी पता कि कोई भी इनकम यदि इंडिया में अर्न करते हैं, इंडिया में रिसीव करते हैं, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, तीनों कॉलम में आता है। नेक्स्ट था, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव बाई एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अप टू, मतलब जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन हम लोग रिसीव करते हैं एम्प्लॉय को, वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। तो उसका जो लिमिट है स्टूडेंट, 5 लाख रुपीज है। कितने का? 5 लाख से। आप लोग को बाहर का आवाज़ भी आता रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं पहुँचा हूँ, बट मैंने सोचा पेपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। और स्टूडेंट, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोग कॉन्टेक्ट में बने रहोगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, लमसम पेमेंट रिसीव और रिटायरमेंट फ्रॉम दी स्टैचुटरी पीएफ, बोलता है जो लमसम पेमेंट रिसीव होता है स्टैचुटरी पीएफ से, वो कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर सब अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउड डिडक्शन इंस्टॉलमेंट कितना रहता है? इसके टोटल 5 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं। कितना इंस्टॉलमेंट मिलता है? 5 इंस्टॉलमेंट। यदि प्री कंस्ट्रक्शन का कोई इंटरेस्ट रहता है, तो आने वाले 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, डैश इज ए नॉट ए डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी के अंदर इसमें से किसका डिडक्शन नहीं मिलता है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता है। आगे लिखा है यहाँ पर, वाइल द कंप्यूटिंग द एग्जम्पशन ग्रेजुटी फॉर अ पर्सन कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट सैलरी, बोलता है जो हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, जो ग्रेजुटी का अमाउंट निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? तो बेसिक सैलरी प्लस डीए लेते हैं, क्योंकि पेमेंट ऑफ अंडर द ग्रेजुटी एक्ट वाला है, इसलिए इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए लेते हैं हम लोग। लिखा है, इन केस अनलिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज इफ अ पीरियड होल्डिंग ऑफ शेयर इज डैश तो नॉट मोर देन 24 मंथ, बोलता है अनलिस्टेड शेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हम लोग मानते हैं? यदि हम लोग ने नॉट मोर देन 24 मंथ से ज़्यादा समय के लिए हम लोग ने नहीं इशू किया है तो। नेक्स्ट यहाँ पे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट बी एक्सिड, बोलता है 6A के अंदर जो डिडक्शन होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी जो प्रैक्टिकल समय स्टूडेंट, इसके जैसे सोल्यूशन होंगे आएंगे मेरे पास, मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। आगे लिखा है, इंडेक्सेशन कॉस्ट विल बी अलाउड ओनली वाइल द कंप्यूटिंग,
बोलता है इंडेक्सेशन कॉस्ट को कब हम लोग यूज करते हैं, कौन से केस में यूज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए CIA को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इज द डैश कैपिटल असेट डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इसका ऑप्शन आ जाएगा। बोलता है इफ एनी असेट्स यूज लेस देन डैश डे ईयर अक्वायर द डेप्रिसिएशन रेट विल बी 50% नॉर्मल रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो 180 डेज आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉयर द प्रक्विजिट रहता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, कौन सा रहेगा, टैक्सेबल आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के अंदर दिया था शिव शक्ति मित्र मंडल असेसिबल अंडर द हेड ऑफ इनकम टैक्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रू आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 अंडर द हेड ऑफ सैलरी कैन नॉट बी एक्सीड, 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलता सैलरी के अंदर, आपको भी पता है, तो ए भी ट्रू आ जाएगा। लीज इनकैशमेंट एग्जम्प्टेड अप टू मैक्सिमम 3 लैक्स, ए भी ट्रू है क्योंकि 3 लैक्स तक ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीव इनकैशमेंट का एग्जम्प्शन मिलता है। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल टू द रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस, बोलता जो इनकम हमने रिसीव किया आउटसाइड इंडिया में वो रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस को टैक्सेबल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इनकम फ्रॉम स्मगलिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इट इज द इलीगल इनकम, फॉल्स है, ठीक है। कैसा भी इनकम रहता है सब टैक्सेबल होता है। 6 आपको दिया था डेप्रिसिएशन इज द अलाउड ओनली वेन इट इज द क्लेम, बोलता डेप्रिसिएशन का आपको तभी अलाउड होता है जब आप उसके क्लेम करते हो, तो 6 है, 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जब हम लोग क्लेम करते तो ही इसका डिडक्शन मिलता है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल बिजनेस असेट्स इज द ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो ए भी ट्रू ही रहेगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड कंपनसेशन इनहेंस कंपनसेशन और कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल असेट्स चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ए भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देयर आर टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होता है, सिंपल क्वेश्चन था, ट्रू है। डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी आर अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिशन, फॉल्स है। रिपेयर्स ऑफ वार्म आउट ऑफ पार्ट ऑफ मशीनरी यूज फॉर फैक्ट्री एम्बिसेबल एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट है, तो ट्रू हो जाएगा। स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑलवेज रेसिडेंस रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स था, फिफ्थ फॉल्स, सिक्स ट्रू, सेवन्थ ट्रू, एट ट्रू, नाइन ट्रू, टेन फॉल्स, इलेवन ट्रू, ट्वेल्थ फॉल्स। और स्टूडेंट जो पेपर था सिंपल था, इसके जो सोल्यूशन है मैं शाम तक आप लोग को शेयर करूँगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।